दोस्तों जी, अगर आप डी टी फिर से ग्राहक है तो आपको पता होगा कि 4200 एक्शन अभी हो चुका है, जहाँ पर आपको चैनल लिस्ट भी आ चुकी है। तो ये सिर्फ इम्पैक्ट 2 सेटअप बॉक्स के जरिए था, लेकिन दोस्तों 4300 ये एक्शन कब होगा इसकी अपडेट प्रसार भारती ने बता दिया कि 4300 एक्शन कब होगा और किस सेटअप बॉक्स के लिए यहाँ पर होने वाला है। इस वीडियो में हम उसी बात के बारे में बात करेंगे 4300 एक्शन को लेकर, जो कि ये खबर सबसे पहले हमारे चैनल द्वारा बताई जा रही है, कोई भी चैनल अभी तक आपको ये नहीं बताएगा। तो फ्रेंड 4300 एक्शन का नोटिस यहाँ पर प्रसार भारती ने जारी कर दिया है, जो कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और साथ ही प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को लास्ट से जो देखे उसे चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो बिना किसी देरी के आज के वीडियो को स्टार्ट कर दे। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे, प्रसार भारती के द्वारा जारी किया एक नोटिस, जिसमें प्रसार भारती ने 4300 एक्शन का जिक्र किया है। दोस्तों जैसे कि नोटिस आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यही नोटिस प्रसार भारती की तरफ से जारी की गई है, जिसमें साफ साफ लिखा है फोर सेटअप बॉक्स के लिए इस बार 4300 एक्शन होने वाला है। तो यहाँ पर इसकी कंफर्म डेट तो नहीं आई, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से स्लॉट यहाँ पर होंगे। तो जैसे कि पता होगा एमपैक फोर सेटअप बॉक्स में अभी 3 स्लॉट यहाँ पर खाली हैं और एक स्लॉट यहाँ पर और खाली हो गया, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि एक चैनल बंद हो गया है, PBNS नाम से, यानी प्रसार भारती का जो चैनल था वो चैनल बंद हो गया। तो एक और स्लॉट आपके लिए खाली हो चुका है। और दोस्तों दिसंबर के महीने तक, दिसंबर लास्ट तक आपके लिए एक और चैनल आपके एमपैक 4 सेट बॉक्स से रिमूव हो जाएगा, जिसका नाम है AVP गंगा, क्योंकि वो एमपैक 2 सेट बॉक्स में आ गया है। तो दोस्तों ये दो चैनल यहाँ पर आपके लिए रिमूव हो जाएंगे, तो यहाँ पर 2 स्लॉट आपके लिए खाली हो जाएगा और 2 स्लॉट यहाँ पर 3 स्लॉट पहले से, यानी कुल 5 स्लॉट हो जाएंगे। तो यहाँ पर 5 स्लॉटों के लिए आपके लिए ई ऑक्शन किया जाएगा 4300 ई ऑक्शन, जो कि सिर्फ और सिर्फ एमपैक 4 सेट बॉक्स के लिए होगा। हो सकता है फ्रेंड्स ये इसका जो कन्फर्म डेट तो अभी नहीं है, लेकिन हो सकता है ये मार्च तक हो। अगर मार्च तक ही होता है यहाँ पर एमपैक 2 सेट बॉक्स के लिए भी ये ऑक्शन संगे संग हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपको जैसे पता हो जो अभी 4200 एक्शन जितने चैनल आए हैं वो सिर्फ मार्च तक आए हैं, मार्च में ही रिमूव हो जाएंगे। तो जिसका उनके जो स्लॉट खाली स्लॉट हो जाएंगे, तो उनके लिए भी यहाँ पर ई ऑक्शन की प्रक्रिया होगी, जो कि 4300 एक्शन के साथ ही अगर हो जाएगी, प्रसार भारती अगर ऐसा करेगी तो करेगी, नहीं तो ये 44वां ई ऑक्शन का इंतजार करना पड़ेगा एमपैक 2 सेट बॉक्स के लिए। और एमपैक 4 सेटअप बॉक्स के लिए यहाँ पर आपको 4300 ई ऑक्शन ही यहाँ पर जारी किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ 5 स्लॉटों के लिए आपके लिए होगा एमपैक 4 सेटअप बॉक्स के लिए, बाकी एमपैक 2 का भी कंफर्म नहीं है, लेकिन एमपैक 4 के लिए आ गया है, जैसे कि नोटिस यहाँ पर प्रसार भारती के द्वारा आप देख सकते हैं। तो यही इन्फॉर्मेशन आई थी, कन्फर्म डेट अभी तक नहीं आया, अगर यहाँ पर आने वाली वीडियो आपको बताऊँगा कन्फर्म डेट भी अगर आएगा तो। लेकिन उम्मीद है दोस्तों ये दिसंबर, ये मार्च तक आपके लिए हो जाएगा, मार्च 2020 तक आपके लिए एमपैक 4 सेटअप बॉक्स में 4300 एक्शन की प्रक्रिया हो जाएगी। ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।